जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? हम लोग हर रोज़ इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से इंट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल www. ये क्या है? एक इंटरनेट का साइट है। किसी भी साइट को खोलने के लिए हम लोग डालते हैं URL www. ये क्या है? इससे हम लोग रोज़ कनेक्ट होते हैं इंटरनेट। तो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल है, बिगेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, जिससे कि हम लोग रोज़ आपस में कनेक्ट होते हैं। मीन्स www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ जस्ट कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। मीन्स क्या हुआ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर? मतलब क्या हुआ? वन कंप्यूटर इज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि पैरेलल सिस्टम में क्या होता था, हम लोग बहुत से मल्टीपल CPU मल्टीपल प्रोसेसर को शेयरिंग करने के लिए, एक सिंगल शेयर मेमोरी को शेयर करने के लिए यूज़ करते थे। मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर डिपेंडेंट होता था, वो टाइटली कपल्ड होता था। जबकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर में क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। जैसा कि बताया इंटरनेट इज़ अ बिग एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि देखिए, एक सर्वर होता है जो कि कनेक्ट करता है बहुत सारे क्लाइंट को अपने साथ। तो क्लाइंट कोई भी मैसेज सर्वर से डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, तो सर्वर उसका रिस्पांस देता है। यही एक इंटरनेट का वर्क है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। कि आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, लेक्चर सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कंटिन्यू करके वीडियोज़ को पूरा देखिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नौ, जैसा कि हम लोग चल रहे थे, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक सिस्टम यूज़ हो और हमें लगे कि बहुत सारे सिस्टम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि एक नेटवर्क है, सिंगल नेटवर्क, उसमें 10 नेटवर्क कनेक्टेड है, पर सबका डेटा एक ही जगह से एक्सेस हो रहा है, तो उसको कहते हैं एक ही सिस्टम काम कर रहा है पर बहुत सारे कंप्यूटर क्या है उससे कनेक्टेड है। सो दिस इज़ अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। रियल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिंगल कोहेरेंट सिस्टम भी कहते हैं। नौ, पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज़ मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसेस टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। जैसा मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्वर के मदद से। नौ, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर का ये कलेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क केबल। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्टेड होता है किसी नेटवर्क से या केबल से। प्रोसेसर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज एंड फंक्शन। इसका जो भी प्रोसेसर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो वेरी करता है साइज और फंक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट शेयर कंसेप्चुअल टास्क एंड प्रोवाइड वेरियस फीचर टू द यूज़र। यूज़र के लिए बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स को प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द लास्ट पॉइंट, TCP/IP इज़ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल। TCP/IP इसका बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम का इंटरनेट के यूज़ करने के लिए। नाउ ये फिगर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, डिफरेंट सिस्टम्स को क्या कर रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है बाय अ केबल, बाय अ सर्वर, ठीक है। नाउ सम एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, गिव मोर परफॉर्मेंस दैन सिंगल सिस्टम। सिंगल सिस्टम से ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें वर्क होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोर रिसोर्सेज कैन बी एडेड ईजली। बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग ईजली ऐड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर कैन बी स्टोर्ड ऑन अ मल्टीपल पीसेज। मतलब एक सिंगल कंप्यूटर में हम लोग एक सिंगल प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, एक सिंगल कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर पेरिफेरल्स को हम लोग लगा सकते हैं। नॉट डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ड्यू टू शेयरिंग। शेयरिंग इतना होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में, जिसके कारण से सिक्योरिटी प्रॉब्लम आता है। नो, नेक्स्ट पॉइंट, सम मैसेजेस कैन बी लॉस्ट इन द नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड में, उससे क्या होता है बहुत सारे नेटवर्क मैसेजेस जो होते हैं वो कि लॉस्ट कर जाते हैं, खो जाते हैं। नेक्स्ट है कि ओवरलोडिंग इन अनदर प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है।
Now some examples of distributed operating system. First है Windows servers, second है Linux servers. Now thank you. उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा. वीडियो से जुड़े कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम लिंक पे जाके DM कीजिए.